नमस्ते आप मेरे साथ हैं चित्त की बात आरती नागपाल के साथ ये है एपिसोड नंबर फोर और मेरे साउंड पार्टनर है ऑडियो एरे और मेरे आज के गेस्ट हैं एक बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही हम्बल बहुत प्यारे बहुत सॉफ्ट नेचर के एंड ऑस्कर विनर सॉन्ग के कोरियोग्राफर लॉन्जी मेरे बचपन के दोस्त हैं मेरे प्यारे दोस्त हैं उन्होंने इतने सारे गाने फिल्म्स में कोरियोग्राफ किए हैं जो वो खुद बताएंगे तो आप चौक जाएंगे कि ओ माई गॉड दिस सॉन्ग ओ माई गॉड दैट सॉन्ग बट बिसाइड्स दैट मेरे बचपन के जो मैंने डांस क्लासेस किए थे उसमें मुझे डांस सिखाने वाले भी वो थे और मैंने शॉर्ट फिल्म की थी तो उसके डायरेक्टर भी वो ही थे आइए मिलते हैं सुनते हैं जानते हैं लॉन्जी जी की अपनी ज़िंदगी की कहानी अप्स एंड डाउन्स कहाँ से आए और कहाँ तक पहुँचे कैसे पहुँचे लेट्स हियर फ्रॉम लॉन्जी लॉन्जी थैंक यू वेरी मच to come on my this podcast I'm very very humble and I'm grateful and I love you you no, know no, that no likewise likewise <laughs> I've been really looking forward for something like this and then and, and I know from within mujhe pata tha कि आपके साथ अगर ये जुड़ जाएगा और ये सब होगा तो वाके मैं बेहतरी नहीं होगा तो thank you very much for hosting me and, and it's an honor being here thank you very much होल्डी i want to start uh, hearing your story but uh, abhi right now how do you feel like uh, right now what space you are in at this point of time in life i think i'm in a very very happy space which is even above happiness it's like bliss for me it has taken a lot of time to reach here and i know for a fact that god has been kind and god has been with me all the way

आपका बचपन कैसा था मैं आपने बिल्कुल सही पूछा और सही और मुझे बताना ही चाहिए कि जय हो जो हुआ वो वाकई में इंटरवल के बाद हुआ तो दे वॉज नथिंग बेटर देन दैट हैपनिंग इन द सेकेंड हाफ बट द फर्स्ट हाफ उसके जो कठिनाई जो ये हमेशा ऊपर नीचे जो होते रहते हाँ और ये दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हाँ. कि जब तक जिंदगी है जब तक आपका जीवन है मुसीबतें तकलीफ़ें कठिनाई ये तो आने वाले ही है और आप उनको कैसे ले कर चलते हैं हाउ यू हैंडल दैट दैट इज़ द मार्क ऑफ अ पर्सन एंड दिस इज़ वट आई लर्न फ्रॉम माई पेरेंट्स स्पेशली माई फादर बिकॉज वेन आई वेंचर्ड आउट एंड वेन आई हिस्स टू डांस इन दीज हाउस पार्टीज एंड इट विस् टू ऑलवेज भी लाइक यू नो देखो देखो मेरा बेटा कितना अच्छा डांस करते हैं आई विस्ट टू आई हिस्ट टू फील शाय ए एंड माई फादर वुड ऑलवेज़ टेल मी कि इफ यू आर ब्लेसड एंड इफ यू आर टैलेंटेड एंड दिस इज़ अ गॉड गिविंग गिफ्ट यू शुड नेवर एवर फील शायद सो दैट इज द फर्स्ट थिंग एन आई लर्न कि जो भी करो जैसा भी करो दिल से करो तो अच्छा है दिमाग से करो तो बहुत अच्छा है लेकिन सबसे बेहतरीन ये होगा अगर आप करोगे जी जान से सो आई हैव पुट दैट टू प्रैक्टिस एंड आई डू दैट इवन टिल डेट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स वेन माई फादर सोमी डांस एंड बिलीव ए नॉट आरती जी मैं ये तय दिल से कह रहा हूँ uh -huh. उस दिन से लेके आज तक और आने वाले दिनों तक भी देर इज नॉट अ सिंगल डे ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैं उठ के डांस नहीं किया भले <laughs> एक स्टेप क्यों ना हो दो स्टेप क्यों ना हो लेकिन मैं हमेशा करते रहता सो दैट हैज केप्ट मी गोइंग सो विद दैट आई बिगेन दिस जर्नी फ्रॉम वन टू अन अदर टू अनादर एंड देन यू नो हाउ इट इज गेटिंग इन टू फिलिप्स इज़ अनदर बॉल गेम बाय इट मैं तो सीधा साधा साधारण आदमी हूँ mm -hmm. एक कैथलिक बंदा हूँ तो इंडस्ट्री में आना तो नामुमकिन तो भूल जाओ मुश्किल ही है बिकॉज दे डोंट लुक एट यू इन दैट मैनर ये हिंदी स्पीकिंग लड़का नहीं है ये क्या करेगा समझ में नहीं आएगा इसको कैसे समझाओ बट देन टैलेंट इज सच आई डोंट नो अबाउट म्यूजिक एंड क्राफ्ट एंड आर्ट बट देर इज नो लैंग्वेज फॉर टैलेंट इट इज़ यूनिवर्सल सो इफ यू आर टैलेंटेड एंड इफ यू आर गुड इट विल डेफिनेटली बी पोर्ट्रेड सो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई हिट एंड आई एम ग्लैड दैट इट हिट द बुल्स आई So when people saw me dance they always gave me a chance and that's how the journey began and then you did chance for dance yeah, yeah. so it was all one after the other and it all started from my college days because college was such I that I was you know, just going to ask yeah. you that uh, you school may dance competitions may part lete like school or colleges may. Uh, कैसा था लाइक like, माहौल आपके स्कूल और कॉलेज में स्कूल में दर्स टू बी अ फंक्शन एनुअल डे तो उन लोग बुलाते थे चलो 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 बच्चों लोग आ जाओ, जाओ जाओ कौन डांस कर सकते कौन नहीं कर सकते तो मेरा हाथ हमेशा उठता था हाँ. तो सब लोग देखते थे अरे हाँ दिस गाय गाय विल विल डू डू दिस सो दैट वाज अ स्टेपिंग स्टोन ओके तो उसके बाद फिर कॉलेज में जब आया कॉलेज में आने के बाद मालूम पड़ा कि यार लेट्स सी दिस

This is the stepping stone. Uh -huh. When you face failure, hmm. that will give you and teach you the best lesson for success. Absolutely. Absolutely. So I began working harder. Uh -huh. Then, the next time when I took part in the All India Disco Duo Championship, I won. I got a bike. Oh, wow. Anita Rajji was the chief guest, and she was so happy to see me win uh -huh. that she told me that you are really very, very good and you should pursue this. Uh -huh. So, I thought that. ये तो बड़े बड़े लोग हैं इनकी बड़ी बड़ी बातें लेकिन मेरा दोस्त ने मुझे समझा कि बड़ी बात तो हर कोई करता है इन्होंने अच्छी बात बोल दी सो यू नो यू शुड टेक इट सीरियसली इफ़ यू आर रियली रियली इंटरेस्टेड सो देन वन लेड टू अन अदर कहाँ अचानक मेरे को एक फ़ोन कॉल आया कि इनको कुछ बैकग्राउंड डांसर्स की ज़रूरत थी हुँ. एक फिल्म के लिए जिसका नाम था सामरी ओके एंड देवर डूइंग रिप ऑफ ऑफ माइकल जैक्सन एंड या और जावेद जाफरी का फादर जगदीप साहब वॉज द की कैरेक्टर इन दैट सॉन्ग ड्रेस्ट अप लाइक माइकल जैक्सन एंड ऑल इन द ग्रेव यार्ड ऑल द वे इन एस एल स्टूडियो तो वेंट देर एंड इवन फारानल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज शी आर ऑर्गेनाइज एवरीबडी तो वी थॉट के यार ये फिल्मी गिरी क्या है तो यू नो लेप वेप लगा के मैं पीछे खड़ा था तो फर्स्ट डे आफ्टर द एक्सपीरियंस माई डैड आक्स मै कि हाउ वॉज इट आईसाइड नहीं आई आई वॉज नॉट टू कंफर्टेबल बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आया कि यार यहाँ का माहौल इज नॉट समथिंग वट आई एम यूज टू तो हम लोग ने सब ये सब लेप वेप लगा के कचरा डाल दिया चेहरे पर और पीछे खड़ा रह गया तो देन ही मेड मी रियलाइज इस बेटा आप एक चीज भूल रहे हैं आप काम कर रहे काम करो क्या काम करते हो वो जरूरी नहीं है किस तरह आप काम करते हो वो जरूरी

योर लाइफ योर फादर हैज बीन लाइक आपके फादर yeah. आपके yeah. पहले फर्स्ट हीरो हैं या 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 क्योंकि ये पॉडकास्ट में मैं इस पर्टिकुलर चीज पर एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में जो आसपास में रियल लाइफ हीरोज हैं उनको याद करके उनसे इंस्पायर होके हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ना है तो इन योर लाइफ आई एम हियरिंग फ्रॉम यू योर फादर इज बीन हीरो लाइक रियल हीरो

बीट सदा स्वागन वॉज सम बैंड वैग इन रिक्वायर्ड ऑफ स्पेशल पैसा कुछ बन जाए कुछ जेब खर्ची निकल जाए माँ बाप को परेशान ना करे कि मुझे ये चाहिए एक नया टी शर्ट चाहिए या फलाना डिमका चाहिए सो इट बिकेम वेरी कैजुअल फॉर मी सो यू नो यूर गेटिंग एक्स्ट्रा पॉकेट मनी इट्स इन दैट मैनर लाइक अबी बट बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट इवन uh, हॉलीवुड hmm. में पोला अब्दुल आई थिंक सो और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स जो बड़े बड़े रॉक स्टार्स हैं पॉप स्टार्स हैं वो बैकग्राउंड डांसर्स थे और वो फिर फ्रंट में आए हैं बिल्कुल और उन्होंने अपने एल्बम्स भी निकाले तो आपकी जर्नी फ्रॉम बैकग्राउंड डांसर टू फ्रंट में आप कैसे आए वो मुझे जानना है हाँ। और आई थिंक सो सबको जानना होगा नहीं दर्नी द जर्नी वॉज अ लॉन्ग जर्नी एंड ये ये भी मेरा फादर ने मुझे समझाया हाँ इसे आपको करना क्या है हाँ। जिंदगी भर तो आप डांस तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाँ। एक टाइम के बाद शायद अपना बदन आपका साथ नहीं दे आपका हाँ। शायद आपका साथ नहीं दे तो ऐसा कुछ तोड़ सोचो कि वॉट इज द हाइस्ट लेवल ऑफ डांस तो बिसाइड्स कोरियोग्राफी नथिंग केम इन माई माइंड कोरियोग्राफी के अलावा और कुछ सूझाना है मेरे दिमाग में कि हाँ। अभी इससे बेटर और क्या करूं लेकिन एक कोरियोग्राफर बनने के लिए तो उसका भी एक रास्ता अलग है तो पहले मैंने गया मैं गया लोगों से पूछा कि यार सी इफ यू कैन कीप मी एंड पुट मी ऑन समवेयर अगर आई कैन एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ एंड टेक ऑफ इन माई करियर तो इन लोगों ने बोला आए इसको ज़्यादा कुछ आए वेस्टर्न आदमी है इससे क्या काम कराएगा यार मे बी वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट इज रिक्वायर्ड सो आई कैन कॉल हिम अच्छा बट वॉट अबाउट दी अदर्स वे डू आई हैंडल हिम एंड हाउ डू आई हैंडल हिम एंड डू आई प्लेस हिम तो माई फादर टॉट मी वन मोर थिंग इन लाइफ बेटा एक चीज याद रखना वॉट एवर यू डू मेक शो योर द बेस्ट इन दैट अदरवाइज डोंट डू इट यू वॉन्ट टू सेल वड़ा पाओ यू वॉन्ट टू सेल कैन डू दैट बट ऐसा कुछ तोड़ सोचो कि तुम्हारे वड़ा पाओ खाने के लिए एक मर्सिडीज़ में आके बंदा रुकना चाहिए और बोलना चाहिए भाई दो वड़ा पाओ लगा ले तो देन इट मेक सेंस क्या बात क्या बात कही देन ही टोल्ड मी के यार वाई डोंट यू स्टार्ट

बी एड योर लैंग्वेज और बी एड योर वॉट यू से स्किल सेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जबान पर काबू रखना किसी ने कुछ बोला पलट के जवाब देना जरूरी नहीं है थोड़ा सा ठहराव लेकर आओ सो दैट्स वॉट आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम माई पेरेंट्स जस्टली माई फादर जबान पर जिसने रखा काबू वो कभी भी पीछे नहीं रहेगा बाबू वो तो आगे ही आगे निकलगा

बट अ पर्सन हु विल फॉलो विल नेवर फेल लाइक आई नो ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइंड मिस्टर जावेद जाफरी है जब उन्होंने मुझे एक कॉम्पिटिशन में देखा और उन्होंने मुझे बोला अरे आप तो बहुत लाजवाब है यार यू शुड कम टू माई प्लेस यू नो टेक माई नंबर एंड कॉल मी सो आई कॉल्ड इम आई लैंडेड अप इन हिस हाउस यू पुट मी ऑन अ शो वैनी सेट दट नाउ यू वर्क विथ मी सो वेन आई वॉज टॉकिंग 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 एंड ऑन दट यूड यू नो यू शूड ट्राई टू स्पीक हिंदी सो आई लर्न हिंदी फ्रॉम दैट फैमिली द जाफरीज बी इट हिज मदर हिज फादर हिज ब्रदर एंड हिमसेल्फ दे हैव ऑलवेज बीन टू टू मेक दैट आई आई इंप्रूव माय लैंग्वेज हाउ सो एम वेरी थैंकफुल ऑब में आपका क्लास भी था ना मेरा एक छोटा सा डांस क्लास था जहाँ पे काफी लोग आते थे आज उन लोग बहुत दिग्गज आर्टिस्ट है कुछ तो बहुत ही नामची नहीं हाँ. कुछ नामचीन है लेकिन है तो है दे आर ऑल फेमस एंड दे काफ़ी मशहूर है हाँ. उनमें से एक सलमान साहब है एक अक्षय कुमार है यू नो देन देर इज सोनू वालिया देन देर वक्षयू से आयशा चुलका ऑन एंड सो फोर्थ दे हैव ऑल कम एंड ट्रेन एंड लर्न डांसिंग फ्रॉम मी आई कैन हैप्पीली से दैट इनके एक लेवल तक पहुँचना जहाँ डांस का बात हो रहा है हाँ. हमारा छोटा सा योगदान इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट लाइक आई रिमेंबर सलमान कमिंग होम एंड ही वुड कम मॉर्निंग एट राउंड अबाउट सेवन थर्टी एट आफ्टर इज हॉर्स राइडिंग क्लास फ्रॉम जू बीच बूट्स वूट्स पहनता था इतना सैंड वैंड बूट्स में तो एंड एंड दोज डेज लाइक अपने घर में कोई मेड नहीं थी कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं था तो मेरी मम्मी साफ करती थी जगह तो सलमान वॉज देर एंड आई जस्ट रिक्वेस्टेड इम के भाई If you can, you know, get yeah, your him. boots out. Ha, ha, ha. He said it's full of sand. He's saying, yeah, my mom has just cleaned the floor. Yeah. Ha, ha. So he was such a nice person then. Ha, ha. And that niceness is there in him, even till date. Yeah. He's saying, Auntie, I'm so sorry, but I'll get this out. He got his boots out, hmm. he washed his feet, he came in, he began dancing, he began training, and when he was leaving, my mom offered him tea. Auntie, this is good tea. So <laughs> till today, my mom remembers that. <laughs> and <laughs> the biggest the biggest happiness that yeah. I received yeah. from that man is when I got a chance to choreograph a song yeah. for priti Zinta's movie. Uh -huh. And uh, she said, Lonji, you know Salman. Uh -huh. I said, I I only hope he remembers me. <laughs> and then cut to. She said, Lonji, uh, it's fine. He remembered you and all that. Uh -huh. So, you know, you direct the song because he's got his own choreographer. I said, no problem, and uh -huh. I'm happy to be involved. Uh -huh. I'm happy to be a part of this venture. Uh -huh. We Began shooting one day, two days, three days, four days. Uh. On the fourth day, I told him, Khan, Saab, thank you very much. It was a real pleasure working with you after all these years. Uh. He said, Nanji, that is all fine. Yeah. How's your mom? I called my mom uh. from the set uh -huh. and she said, Baba, I'm so happy that at least he remembered. Uh. You. <laughs> you know, so that is Salman Khan for you. Yeah. So it was a very, very big. Touching thing moment. for me, yeah. I uh -huh. was very touched. I said, maybe this guy might have forgotten, uh -huh. and then the kind of respect that I received uh -huh. from him and his team uh -huh. was simply incredible. Uh -huh. So that is what i always seen in certain people. The bigger they become, the successful that they, what do you say, the success that they achieve. Uh -huh. They are always grounded and down to earth. Yes. So there is no way that you can go wrong about the personality. Yes, Yes. Yes. आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू लॉन्जी आपका जो क्लास था उसमें hmm. आपका एक दोस्त भी था हेमू हेमू हमारा प्यारा कॉमन फ्रेंड था आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपका क्लास से ट्रांजिशन फ्रॉम लाइक क्लास में जो आप डांस सिखाते थे एक्टर्स को hmm. वहाँ से फिल्म के अंदर कोरियोग्राफी का मतलब आपको पहला चांस कब मिला How it happened, के जैसे आप फिल्म के अंदर हाँ, कोरियोग्राफर हाँ, बने हमारे नेबर हुआ हाँ, करते थे मिस्टर अवतार बोगिल तो उसकी छोटी सी बच्ची थी हाँ, तो रोज घर पर आती थी खेलती थी तो शी वुड कम शी वुड डांस लॉन्ज एंगल लॉन्ज एंगल लॉन्ज एंकल एक दिन अवतार साहब ने देखा हाँ, और उन्होंने पूछा कि आई यू इंटरेस्टेड इन कोरियोग्राफी आई सेफ आई गेट अ चांस आई मेक द बेस्ट ऑफ इट

एंड यू टोल्ड वॉट यू से अनुपम साहब के दिस इज दॉन्ग दिस इज द व वॉट यू स टाइटल सॉन्ग ऑफ अ फिल्म एंड वी गॉट दिस बॉय लॉन्जी तो यू सैड नहीं आर फॉर दिस सॉन्ग वी शुड टेक फारा यू नो आई थिंक सो शील बी परफेक्ट सो अनुपम साहब ने फारा को फोन किया और बोला कि यू नो फारा दिस दिस सॉन्ग ऑफ माइंड कैन यू डू दिस तो फारा एड आई एम लिटिल बिट बिजी आई हैव टू ट्रैवल एंड दिस एन दट आई डोंट नो या दिये गॉट दिस बॉय लॉन्जी पारा ने तो वहां से मुझे ग्रीन सिग्नल मिला कि अनुपम साहब इज गेम ही इज हैपी टू वर्क विदर्सन लाइक मी तो आई वॉज रियली वेरी वेरी थ्रिल्ड फ्रॉम विद इन यूली सेट के यू नो शो मी वॉट टू बी डूंगा तो पेपर वर्क वगैरह उस दिन में कैसा करके कुछ ना कुछ लिख पक के वहां पे चला गया हाँ, हाँ. So he was shooting with Savan Kumar at that time, uh -huh. and on the set he gave me ten minutes. Uh -huh. He said, "Sir, this is what I have gotten." Ah, okay, okay, no problem. We'll do this. Achha. So the entire ball game changed. Achha. You know, uh -huh. so now we go on the set and we shot. The song came out. Uh -huh. It was very, very good. It was appreciated by the people from inside. Uh -huh. But now what happened? I thought I have landed. Uh -huh. But later on, I realized I have landed into shit oh. because yeah, because all the what do you say nurses.

I need ten boys and ten girls for a mm. film in Hyderabad with Nagarjun. Okay. And the film's name is Sisindri. Mm. If you can get me these ten people, nothing like it. And you also come. So now mm. I have taken ten people, mm. boys, girls. you have all gone there, mm -hmm. shot the song, mm. came back. Mm. When I came back the next day, my father passed away. My father was very happy that I got on track. Oh. But the only thing that I regret in life today is that. My father couldn't see the success that I have achieved. Oh, so, sorry. so that was a sad. But then on that day when my father passed away, mm. Farah had come and she said, Launji, don't worry. You work with me. Mm. I said, Are you sure? Because you've already got a team, there will be people. Mm. I don't want them to be kicked out. He mm. said, No, Nanji, no, they have got their life and they are happy to move on in whatever they are doing. Mm. Will you be there for me or no? Mm. I said, Done. I'll be there. Mm and that day till today mm -hmm. i have always realized that that was the right decision that mm -hmm. i did that i had taken yeah. you know so everything fell in place one after the other mm -hmm. the first song that i did with her as an assistant and i also was there mm -hmm. to perform amongst the dancers was mm -hmm. ddlj Achha. rukja o Dil Diwani. oh everybody's favorite yeah. song <laughs> and in that song i realized that this is the place for me to be Uh, मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बना है ये जगह एंड uh, फारा ने मुझे बहुत साथ दिया शी इज बिन इंस्ट्रूमेंटल इन माई करियर इन शेपिंग द काइंड ऑफ वॉट यू से आई आई हैव टू वॉक ऑन एंड शी इन अ कपल ऑफ इयर्स यू विल नहीं दैट टाइम इवन टूडे सेम वी वॉज थर्टी ईयर्स बैक्स कहीं आराम से प्यार से मक्कन जैसा चीज है You know, you should know how to control yourself and take things in your stride. Uh -huh. You will come across people who are good, you'll hmm. come across people who are bad, hmm. and you'll also come across people who are ugly. <laughs> you know, so it's <laughs> like that. best <laughs> <laughs> That he's like, for us, he's blunt on your face. और जैसे मेरा मतलब अंदाजा है कि जीवन में जितने लोग मुँह फट होते हैं मुंह पर बोल देते हैं उनके दिल में कुछ नहीं होता है एकदम साफ होते हैं और है। आपके अच्छे के लिए बोलते हैं जो भी बोलते हैं नहीं ये बात ये, ये बात में कोई शक नहीं है बिकॉज यू नो इनका इनका एक चीज़ है इनका मानना क्या है कि भाई आप अच्छे हैं तो अच्छे तरह रहना हाँ। ये मत सोचो कि आपके अलावा और कोई है ही नहीं काम करने वाला You know, she is in that zone. This is what I like about her. Uh -huh. She had told me once openly, Lonji, this guy may be very good, but he is not good enough to work with me. Uh -huh. So that uh -huh. is what I learned from her. <laughs> like when I was leaving, and uh -huh. I remember very well, she told me, Lonji, I hope you have learned uh -huh. whatever you have to. Uh -huh. I said, yeah, yeah, I have I have learned a lot. She said, Like what? I said, I have learned what not to do. <laughs> <laughs> she, said, <laughs> she said, Lonji, that is really very, very good air. <laughs>

Whom have you worked with? Where have you worked with? I have worked with an yeah. award-winning choreographer. हाँ uh हाँ. -huh. So that was a big boost for me in uh -huh. my life. हाँ uh हाँ. -huh. So when that started off and then she was at a peak and she said, long you are leaving I said, i am leaving because I'm getting married here. अच्छा. And she said, then what will you do? Then I took her hand. मैंने उनका हाथ लेके अपने सर पे लगा. हाँ. और मैंने उनको बोला कि आज के बाद मैं जो कुछ भी करूँगा, हाँ. आपके बलबुते पे करूँगा. हाँ. And I know you will definitely हेर. गुरुम. �

वोट यू से हमको सिखाया right. समझाया uh. आज भी मेरे काम में आ रहा है तो इट्स लाइक दैट तो दीज थिंग्स डोंट गो अवे फ्रॉम पीपल्स एंड इट शूड इट बिकॉज नॉट नॉर्मली वॉट हैपन्स पीपल लर्न फ्रॉम समबडी एंड देन दे रियलाइज के बॉज दे नो एवरीथिंग आई एम क्लैड दैट आई हैव नॉट कम इन टू दैट स्टेट ऑफ माइंड यू फील यू नो एवरीथिंग बिकॉज वेन यू नो एवरीथिंग दैट इज द एंट्री एंड ऑफ इट या दैट इज द एंट्री फॉर योर एग्जिट हमेशा स्टूडेंट बने रहना बहुत अच्छी स्पेस होती है मास्टर हो फिर भी स्टूडेंट रहो क्योंकि आप अपने स्टूडेंट से भी सीख सकते हो बिल्कुल कभी कभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा होता है नहीं नहीं आ, ऐसा ही हो रहा है हाँ। ऐसा ही हो रहा है आज हाँ। के तारीख में हाँ। जितने भी नामचीन डायरेक्टर्स है कोरियोग्राफर्स है हाँ। प्रोड्यूसर्स है हाँ। उन लोग नए बंदे को लेकर आते अपने झुंड में शामिल करते क्यों क्यों क्योंकि उनको पता है कि ये नया दौर जो चल रहा है इनको मालूम है शायद हमसे थोड़ा ज्यादा सही बात एंड दिस इज वॉट दिस इज वॉट आई पर्सनली बिलीव एंड आई स्ट्रॉन्गली वॉइस दिस दिसरी वन शुड अंडरस्टैंड दिस इफ दे टू एक्चुअली प्रोग्रेस इन लाइफ क्या इट्स वेरी इजी टू से यू नो बॉस मैं इतना कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है अपना लक बिगड़ गया हा यार ये हाँ. सब लोग तेरे को मालूम है सब मिली भगत मैं कह रहा हूँ कि कोई मिली भगत नहीं है आप अच्छे रहेंगे तो आपको अच्छा काम ही मिलेगा राइट Right. आप बेवकूफी करोगे तो आप वो दायरे में ही जाते रहेंगे यू विल कीप गोइंग ओनली इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू से यार ये इसका बाप बहुत बड़ा आदमी है यार mm -hmm. इनको इसीलिए मौका मिल रहा है नहीं भाई इसका बाप बड़ा है इसका मतलब क्या है कि ये भी बड़ा अपने आप अप हो जाएगा नहीं mm -hmm. ये अपने आप को बनाएगा बड़ा तब ये बड़ा बनेगा राइट नाउ दिस द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इन माई ये मेरा मानना है शायद मेरी बात सही है या गलत है मुझे पता ही नहीं लेकिन मेरे अपने लिए ये बात बिल्कुल सही है सनी डुएल वेन आई सॉ बेताब आई पर्सनली फेल्ट दैट दिस गाय इज टू गुड देन देर वॉज मेनी मेनी मूवीज एंड ऑल दैट मेड आफ्टर सींग घायल घातक एंड दामिनी आई फेल्ट ही डिजर्व टू बी वेरी इज नॉट आई एम सींगादर पापा जी इज अ वेरी वेरी बिग बॉड्यूसे वेरी बिग नेम बट Like him, if there's anybody for my industry, it is him yeah. who's reached that level. Yes, 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 After him, then you can name people like Sanjay Dutt and you can name people like Anil Kapoor and so on and so mm. forth, mm. including Abhishek Bachchan and all. Mm. But the kind of success yeah. that he has, what do you say, you know, achieved and ach achieved is simply incredible and all on his own. Yes, yes, yes. All yes. on his own. Yes, on talent, yeah. proper, pure talent. So मतलब is, धर्म जी का इतना बड़ा नाम था आ, इतना तगड़ा नाम था कि उनको कैरी फॉरवर्ड करना नहीं वेरी तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं और ये चीज कैसे होता है ये चीज ऐसा ही होगा जब हुँ. आप मन ही मन में आप अप अपना विश्वास रखेंगे यू नो यू हैव टू बी सो कॉन्फिडेंट विथ यू कैन डू इट लाइक टिल टुडे देर इज नो बड़ी हुई सेड नो बॉस आई एम ट्राइंग कोशिश कर रहा हूँ कोशिश तो जरूर करना ही करना है क्योंकि hmm. कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है hmm. लेकिन अगर कोशिश ना करें तो फिर आदमी बाहर होती है तो यू नो नोज लाइक दैट सो मेनी पीपल हु हैव बीन बीन आउट हैज बिकॉज दे हैव नॉट ट्राइड यू विल गेट वन चांस यू विल गेट टू चांसेस यू नॉट गेट चांसेस ऑल योर लाइफ यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन योरसेल्फ इन दिस इन दिस मैनर अबाउट जस्ट व्हाट आई सेड वन वन लिविंग एग्जांपल इज मिस्टर जैकी श्रॉफ गॉट अ चांस यू वॉज देयर हीरो के पीछे और शायद जब फिल्म रिलीज हुआ तो वो हीरो के पीछे के पीछे था लेकिन वो जो टाइम फ्रेम था उसने सोचा कि जिंदगी भर में पीछे रहने के लिए नहीं हूं एंड देन सडनली फिल्म लाइक हीरो एंड देन यू रियलाइज देट ही इज द हीरो फॉर द नेक्स्ट डेकेड एंड द नेक्स्ट डेकेड एंड देन यूज सस्टेन्ड फॉर सोलॉस नॉर्मल कॉमन मैन फ्रॉम आउटसाइड हिज फर्स्ट शॉट वॉज राइट इन द फेस रियलाइज इज द मैन वी कैन गो अड वि yes, yes, yes. आपकी ऐसी कोई मेमोरेबल मोमेंट आपके करियर में आपने गाने बहुत सारे कोरियोग्राफ किए हैं यू सेट के आपने ब्रांच आउट किया फरा से लीव लेकर यू स्टार्टेड कोरियोग्राफिंग वन योर ओन mm. तो आपके करियर में ऐसे कोई मेमोरेबल मोमेंट्स जो आपको कहना आप कहना चाहते हो राइट नाउ और यू फील यू आर वेरी डीपली मूव्ड और एसोसिएटेड और इमोशनल मोमेंट ऑफ कोरियोग्राफी समथिंग लाइक दैट मैं फॉर श्योर फॉर श्योर हक से बोलूँगा मैं uh. मैंने एक टीवी प्रोग्राम किया था झलक दिखला जा uh. उसके बाद सारे दरवाजे खुल गए मेरे लिए uh. ट अ कॉल फ्रॉम आमिर खान ऑफिस अच्छा एंड आई गेट टू नो दैट फारा हैजमेंडेड मी एंड दे जी ने आपके बारे में इतनी तारीफ की कि कभी क्या बोलो यार ये गाना है आपको ये करना है मैं सिर्फ गाना है उन्होंने फिल्म की बात की हाँ हाँ बिल्कुल आप वो डिसे जितना आपसे हो सकता है आप वो कर लो सो द फर्स्ट सॉन्ग वॉज पप्पू कान डांस ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ना चलो ठीक है यार तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में बीवर इन अच्छा। तो मैंने बोला कि यार ये पप्पू है कौन <laughs> तो इन्होंने बोला कि ये बंदा इसको खड़ा कर देते ही इज द पप्पू अच्छा तो गाना शुरू हो गया कोई किसी का खिली उड़ा रहे इसका मजाक उड़ा रहे और सडनली मैंने देखा मैंने बोला सर ऐसा कुछ तोड़ सोचते हाँ. कि ये जिसका मजाक उड़ा रहे ना हाँ. वो पप्पू इनको देते हाँ. so, सम ग्रेट काइंड ऑफ डांसिंग फॉर द पार्टी एंड मूव्स ऑफ तो सडनली मंसूर साहब ने मुझे बोला ये अगर ऐसा किया तो फिर गाने में क्या है वो तो खत्म हो जाएगा फिर बोले हाँ. नहीं सर फ्रॉम सोच ऐसा हो जाते हैं कि उन लोग अभी सोचते हैं कि अभी नया पप्पू कौन है पप्पू टू मतलब कैच होल्ड अदर गाय पप्पू बनाते तो मैंने बोला यार लेट्स गेट वन वट इज ए ब्लैक कोट एंड वन व्हाइट शर्ट तो, तो सब लोग इस, इसका क्या लेना देना है बोला सर द नाइस लाइन इन द संगा कहते बड़ा नाम कह तो मैं बोला सर पापा कहते हैं बड़ा नाम करे सो एवरी वन एवरी वन से एंड कहाँ से कहाँ तुमने जुड़वाया हाँ। मतलब सर यही तो है हाँ। उसको आमिर खान बना देते हाथ में गिटार देते हाँ। उसको लगाते वो पप्पू है एंड दैट गाय इसने कोई यू से यू नो हैड नो यू से ऑड फीलिंग्स कोई शर्म नहीं हाँ। बिंदास कर लिया हाँ। शकुन बात्रा And ah. he's made big, big films today. Yes, yes, yes. Recent uh, yeah. hit is yeah. Then So hats off to you, Shakun, you know, for taking it in that right spirit mm. and giving it your all. Yeah. You did your best and you made that song really wonderful because of your inputs. Yes. And he came across as such a nice, lovable character in that song. Uh -huh. And then when the song was being made and as it was going on and uh -huh. on, somebody from the, what do you say, direction department had said, यार लॉन्जी यार क्या करा रहे तू मेला बॉस डोंट वरी जस्ट डू इट मैन वेलकम अ टाइम आई गो अपन स्टेज मैन आई रिसीव दॉक अब यू ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी grace देश गॉड ईश्वर के कृपा से uh. वही हुआ uh. और मुझे जब फिल्म फेयर मिला मैंने बिल्कुल उसके बारे में भी बोला वो <laughs> <laughs> टीवी पे दिखाया नहीं दिखाया वो अलग बात है लेकिन मैं अपने दिल की बात बोल दिया <laughs>

कोरियोग्राफी के अलावा आपके दिल में ऐसा कुछ आया कि मैं इंडस्ट्री में हूँ जैसे आप स्कूल से कॉलेज में डांस करते थे तो डांसर से फिर आपने बैक बैक साइड डांसर्स का पार्ट लेना शुरू किया उसके बाद में फिर आपको फराजी मिली और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला तो आपने कोरियोग्राफी शुरू की असिस्टेंट कोरियोग्राफी की फिर आपको इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी मिली तो इन दिस जर्नी फ्रॉम स्कूल टू इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर टू अवार्ड विनर कोरियोग्राफर आपकी लाइफ में आपको ऐसा कुछ लगा कि मैं यहाँ से कहीं और डायरेक्शन में जा सकता हूँ या कुछ और कर सकता हूँ या ऐसा कुछ इंसिडेंट आपने कुछ किया हो जो लोगों को ना पता हो यू you नो know? मैंने uh, मैंने सोचा कि अभी इसके बाद अभी सब लोग एज अ कोरियोग्राफर शुरुआत करते फिर बाद में फिल्म डायरेक्टर बनते तो मैंने सोचा मैं भी शायद ये कर सकता हूँ तो आ, मैंने कोशिश की आ, आ, ऐसा नहीं कि नहीं की मैंने कोशिश की और तरह तरह के लोग से मिले और कुछ कुछ लोग अच्छे थे और कुछ लोग बहुत अच्छे थे हाँ <laughs> तो बहुत अच्छे थे <laughs> <laughs> लेकिन क्या होता है ना है? ये इनके पीछे भागना इनके पीछे वक्त बिताना आ, वो शायद वो मेरे बस की बात में नहीं है तो आई डोंट नो वेदर आई एम कट आउट फॉर दैट एंड सम गुड फ्रेंड्स हैव टोल्ड मी के यू नो लॉन्जी यू शुड बी डूइंग समथिंग लाइक दिस यू प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट एंड टेक इट टू एनी काइंड ऑफ वट यू से प्रोडक्शन हाउस डोंट गेट इन टू द जोन ऑफ आई गेट एन आर्टिस्ट एंड आई गेट दिस वन एंड आई गेट दैट वन बिकॉज दैट इज द वर्स्ट थिंगट यूल बिकॉज गेटिंग आर्टिस्ट इज नॉट योर जॉब यू फोकस ऑन मेकिंग योर फिल्म राइट So then suddenly somebody had told me one day, you know, okay, why are you making this movie? Mm. What's this all about? The mm. Bollywood bandwagon. Mm. It's a dirty English name, it's an international name. You should have some desi kind of name. Mm. I said, Usse kya hote hai, bhai mm. Naam se kya lena dena? What's mm. in a name? The right. greatest person has said this, Shakespeare. Right. So it could be anything. Right. You know, you just do whatever you feel like doing. Mm -hmm. Then when the pandemic came and I was this much, I was almost right up there in mm. getting the what do you say, job done, mm. and you know, doing the proceedings and getting it to go on flow and all that? Mm. The pandemic hit him. So, that pandemic thing has taken this entire journey two years, three years back mm -hmm. because of the time lost. Mm -hmm. But I have not given up hope mm -hmm. because the old story is what I don't know. I remember the model. Wow. Don't lose hope is the moral of the story. The Absolutely. story could be anything. Absolutely. So, I am definitely living with that dream of okay. making a film.

जय हो हैज हैपन्ड इन द बेस्ट मैनर दैट वन केन है ड्रीम अबाउट ये मैं अभी दिल की बात बोल रहा हूँ जब मुझे एक फोन कॉल आया था बंदे का नाम है अमर बुटाला ओके कई साल पहले उनका एक फिल्म बनी थी कुडियो का ज़माना तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया प्लीज़ डू माय फिल्म प्लीज डू सम मच आई आई कैन ऑफर दर इज नथिंग मच आई कैन अफोर्ड तो मैंने बोला चलो ठीक है कर लेते क्योंकि मेरी अवार्ड यू से मेरा एक दोस्त मेरा दोस्त है hmm. जिनका नाम है मेजू खान तो उन्होंने मुझे बोला कि यू नो लॉन्जी यू मस्ट डू दिस हेयर एंड हमार इज अ वेरी नाइस गाय ड्राइंग इज बेस्ट एक गाना दो गाना किया मैंने फिर उनका प्रमोशनल गाना किया एंड एवरीथिंग ऑल वर्क इन प्लेस एंड देन दम अ टाइम वेन इट वॉज अबाउट मनीज ही सेट आई कैनोट अफोर्ड मच टू पे यू बट दिस इज वॉट आई कैन गिव यू आई नो इट इज लिटिल अथिंग आई सेट इज नॉट नथिंग इट लिटिल बिकॉज नथिंग इज न यू वेरी मचारेकिल गुड इन रिटर्न एक साल दो साल तीन साल पाँच साल के बाद कहाँ से उनका फोन आ गया बोला लॉन्जी देर दिस जेंटलमैन जिसका नाम है डैनी बॉयल आपने नाम सुना होगा बोला यार वो तो इंटरनेशनल फिल्म मेकर है इसी हाँ वही इंडिया में आ रहे हैं और उनको फिल्म बनाना है एंड इज मेकिंग दिस मूवीनियर अब उनसे मिलना अलग कितने बजे मिलना है सिंह आपको मिलना है इनको कल हाँ. क्योंकि कल सवेरे वो पहुंचेगा पाँच छः बजे दस बजे उसका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा हुँ. दस सवा दस के बीच में आप आना मैरियट में हुँ. तो मैं पहुंच गया वहाँ पे मैं साढ़े नौ पहुँच गया एज ऑलवेज आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम सो आई रीच देयर और डैनी साहब बैठे थे सही ये लॉन्जनियस गुड मॉर्निंग कम कम सेट जॉइन मेला नहीं सर यू प्लीज यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट एल सेट ऑन द नेक्स्ट टेबल हा कम ऑफ इट प्लीज सेट ट डाउन कॉफी मंगाया पिलाया डू डू यू वाला सर आई एम इन टू कोरियोग्राफी ओके दैट्स फाइन वेरी नाइस एंड कैन आई सी सम ऑफ योर वर्क तो उन दिनों में मेरे को खुद को नहीं पता था कि एक प्रेजेंटेशन क्या होता है तो मैं मेरे पास इतना वोटी से फाइल था सीडी के डब्बे जो केस वो लेके मैं घूम रहा था डीबूक्रूफ की तरह या कार्टून के तरह या भी तरह फर्स्ट डीवीडी दैट वेंट इन वाज लिफ्ट करा देकर रीमिक्स विद अदनान सामी ओके okay. तो इन्होंने देखा अपने लैपटॉप पे हुँ. पूरा सात मिनट का गाना है देखा लैपटॉप बंद कर दिया तो मैं सोचा कि शायद मेरा टिकट कट गया या मैं नए से हाँ. आ, मुझे, मुझे मौका नहीं मिलेगा आई कूडन रीड एम आई कूड अंडरस्टैंड उन्होंने ये बंद किया बेटा कैन वी मेक कैन वी तो दो और कॉफी आ गया अच्छा तो मुझे लगा कि शायद कुछ बात नहीं अगर दैट इफ समी वॉन्ट टाइम विध यू देर इज ऑफ लिंक फॉर द कॉन्वर्सेशन सो वेन द कॉफी केम ई सैड वी गी वर्किंग टूगेदर एंड यू कैन टॉक शॉप विद प्रोडक्शन आई विलेट यू नो हम मनी डेज आर रिक्वायर यू एंड साहब मेरे पास और भी है yeah. में नसीब कितना अच्छा था उस दिन के सबसे पहला मैंने वो ही दिखा जो उनको पसंद है एंड देन आफ्टर दैट ही कॉल्ड मी टू दफिस एंड देन टू ट्रेन माई आर्टिस्ट दे आर नॉट डांसर्स दे आर नॉर्मल वॉट यू से कॉमन पीपल फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड दिस इज माई

अब ये मौका मुझे मिल गया आई साइंड द डॉटेड लाइन एक लिफाफा में रोटी उसे चेक मुझे मिल गया मैं बहुत खुश हो गया मैं हंसते हाँ. हंसते बैंक चला गया वो डाल दिया दिमाग का रोड्यू से खिड़की ऐसी खुल गई कि मैं सोचा अभी और चीज़ मुझे देखना है हाँ. कि हाउ टू मेक श्योर दैट दिस हैपेंस इन द बेस्ट मैनर बिकॉज इट वाज वेरी इंटरनेशनल यस एक दिन दो दिन का मुझे एक दिन फोन आया रात के ग्यारह बारह बजे और बोला गया कि टुमारो एट फाइव ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग एट फाइव ओ क्लॉक दस अ रियर्सलो वेर मैल एस एल स्टूडियो तो मेरे को लगा कि पाँच बजे शाम को है तो इन्होंने फाइव ए एम ने, ने बोला तो मैं बोला चलो ठीक है एट फाइव थर्टी मुझे फोन आया ए वेर आर यू मैन मैं बोला बॉस यू सेट फाइव ओ क्लॉक ओ क्लॉक इन दी नो नो फाइव इन द मॉर्निंग इट्स थर्टी नो आई सेट बॉस आई स्टे इन लोखंड वाला और भी मेरे को पहुंचना है वहाँ पे एस एल स्टूडियो तो my मैंने मैं, मैं, मैंने दिल की बात बोल दी मैंने देखो बॉस मुझे नहीं पता था कि ए एम या पी एम आप अगर मुझे एक बार बोल देता तो मैं शायद पहुंच जाता वहाँ पर सिंह क्या करना है आपको आस्किंग यह आप जैसा बोले अगर आप बोले तो मैं अभी निकलूँगा दिल ट्रैवल टाइम एक घंटा तो लगेगा मिनिमम हाँ. कैसा भी करके डेढ़ घंटे में मैंने वहाँ पहुँचा oh मैं वहाँ पहुँचा और सबसे पहले मैंने बोला डैनी साहब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी

निराला था हाँ उनका अंदाज कुछ निराला था क्योंकि ये मैं कभी देखा ही ना ऐसा होते हो हाँ। अपने इंडस्ट्री में हाँ so me, to 7, okay. okay. तो नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी इसे यू हैव टू कम टुमारो मतलब व्हाट टाइम सर एट सेवेन एम और पीएम इसे पीएम ओके मतलब वेर मतलब वीटी ओके तो सात बजे शाम को मैं पहुंचा ओके okay. उसके बाजू में प्लेस कॉल्ड स्कूल वहाँ पे बैठा समझाया ये ये है ये ऐसा है ये है सॉन्ग रिंगा एंड डू दिस सॉन्ग ओ साया एंड वील डू दिसके तो ऐसा करते 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 फुल फिल्म Oh! Yeah, I did the full film. Oh! Yeah! I was not knowing this. No, the thing is that not many people know it because the song that was glorified was Jai Ho. Okay. But I got an international award called the Fred Esther Award in New York for okay. Best Film Choreography. Oh, yeah. congratulations okay. now, man. Yeah. Genuinely, I don't yeah. think so anybody knows this. Yeah, I'm sure now they will know. Now hmm. they will hmm. know through this yeah. podcast. They yes, will know you're a real life hero, man. Yeah. Genuinely. Again, hmm. repeat the award's name Fred Estrel Award. Fred Estrel Award. In 209 in New York. Oh, I'm yeah. so proud of you. Oh, best film choreography. Okay, okay, okay. So, so that's huh, that's how huh. this thing began, and then we had to wait. बारह बजे तक अपने को रुकना पड़ता है वहाँ पर ताकि हाँ. उसके बाद फिर पब्लिक निकलती है फिर स्टेशन हमारा होता है अच्छा एट योर डिस्पोजल टू शूट एंड डू व्हाट रेलवे स्टेशन या रेलवे स्टेशन पे बी टी रेलवे स्टेशन पे अच्छा अच्छा तो वहाँ पर ऐसा हम लोग ने वो किया रिहर्सल किया इसने बोला कि ये कैमरा या होगा एक वहाँ होगा दो ट्रेन होगा ऐसा होगा ये होगा वो यहाँ पे कितने बंदे लोग की जरूरत पड़ेगी तो मैं बोला सर यहाँ पे हजारों की जरूरत पड़ेगी इसे कितना दो तीन पाँच मतलब ना पाँच तो बहुत ज्यादा है

वी विल कॉल फॉर थाउजेंड फाइव हंड्रेडर्स एंड थाउजेंड फाइव हंड्रेड जूनियर आर्टिस्ट तो उसमें आपका भी बचत होगा सो ऑब्वियसली आई हैर्न दी स्किल्स फ्रॉम वेरियस पीपल हाउ टू बी अज सो दैट एज हेल्प मी तो देन वो शूट वोट किया जैसा भी हो गया वो हो गया फिल्म रिलीज हो गई गोल्डन ग्लोब मिल गया बाफ्टा मिल गया तभी तक ऑस्कर्स नहीं हुआ था तो इन, इंडिया में उन लोग आए बड़ा सा प्रीमियर का से ये किया था उन लोग ने पी में फिर एक शानदार पार्टी थी तो पार्टी में मैं मिला मैं डैनी साहब से मिला तो मैंने बोला कि सर यू डन अ ग्रेट जॉब नो 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 यू डन वंडरफुल तो मेरा दिल थोड़ा सा छोटा हो गया क्योंकि मैंने मेरा नाम देखा नहीं हम लोग ने फिल्म देखा अच्छा। तो मैंने देखा तो मेरा बच्चा मेरे साथ था तो इन्होंने मुझे बोला डैडी आई नॉज सॉ योर नेम तो आई वाज फीलिंग वेरी अपसेट फ्रॉम विद इन तो मेरा दिल छोटा हो गया तो उसके बाद इतनी बड़ी पार्टी उन लोगों ने रखा है इतना तो शानदार पार्टी बड़े बड़े लोग आए नामचीन लोग आए कुछ खानदानी लोग आए कुछ रईस आए कुछ अमीर आए और कुछ नए अमीर भी आए यू नो इट वॉज लाइक दैट कैन सो एवरी वन वॉज देर इन दैट पार्टी मैन और उनके बीच में मैंने इनको जाके बोला डैनी साहब यू डिड अ वेरी वंडरफुल जॉब आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस थैंक यू वेरी मच तो जैसा मैं निकल गया ना <laughs> मुझे बाद में पता चला कि ही हैज कॉल्ड द प्रोडक्शन पीपल एंड ही सेड के लॉन्चन इज लेफ्ट फाइंड आउट वाई इज ही लेफ्ट इज ही अपसेट तो उनका फ़ोन आया ओके okay. तो उनका फोन आया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से सिंह लॉन्जी वेडिट्यू डिजर्व कर कहाँ चला गया है मतलब यार क्या कहाँ चला जाऊंगा मैं घर पर ही जाऊँगा घर नहीं जाऊँगा तो कहाँ जाऊंगा लॉन्जी वॉट हैपन डाइड यार मैंने पूरी फिल्म देखी आ, टाइटल स्क्रोल देखा मैंने अपना नाम देखा ही ना इस लॉन्जी हो ही नहीं सकते मतलब भाई यू हैव पेड मी हैंसमली यू सी द लास्ट रील यू आर देयर इन द पार्टी ना यू आर देयर गो टू पी वी योर सी द लास्ट रील यदि मेरा नाम दिख गया आपका लिफाफा महफूज है मैं आपको वो वापस दे दूँगा अच्छा एनी सेन्जी अगर आप ये बोल रहे हैं मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा हाँ। तो इन लोग को पता चल गया कि नाम नहीं है हाँ। तो दो दिन बाद उन्होंने बोला कि डैनी साहब ने एक संदेशा भेजा आपके लिए और बोला टेल लॉन्जी नॉट टू वरी आई विल मेकअप आई विल मेकअप इंड नंबर और जब ऑस्कर का दिन हुआ सारे अवार्ड्स उनको मिलने लग गए और जब ये बंदा आ गया अपना अवार्ड रिसीव करने के लिए उन्होंने मेरा ख्याल से तीस सेकेंड अपना भाषण दे दिया Speech, हाँ। ये ये स्पीच। हाँ। वो यू नो स्पीच वो तीस सेकेंड में पंद्रह हाँ। सेकेंड मेरे बारे में बोला हाँ। तो दैट वाज समथिंग एल्स इन माय लाइफ मुझे पता नहीं चला कि मैं ये देख रहा हूँ हकीकत में देख रहा हूँ या एक सपना था तो मैं ये सोचा कि यार ये शायद मैंने वो नहीं सुना जो मुझे सुनना चाहिए था हाँ, या कुछ और था हाँ, तो मैंने वापस देखा इसका रिपीट टेलीकास्ट शाम हाँ, को एंड देन आई रियलाइज कि व्हाट द एम्फेसिस वाज ऑल अबाउट इन दैट स्पीच ऑफ इस वे ही मेड अप इन अबंडेंस लाइक हाउ कहां से लोग मुझे फोन नहीं किए हाँ, इंडिया तो एक छोटा सा हिस्सा है हाँ, from all over the world, be it australia, america, canada, london, you name it. everyone from the press, everyone connected with cinema, everyone connected with entertainment has reached out. Mm -hmm. and suddenly i become a household name. Mm. i become the flavor of the season. Mm. and i was thinking now, how do i reach out to danny boyle and say thank you to him? Yeah, yeah. So, अकबर सामी उन्होंने मुझे बोला लॉन्जी यू राइट अ लेटर और टाइप अ मैसेज टू इंड एंड मैंने बहुत हिम्मत मोडी से यू नो गैदर किया yeah. है गैदर मैसेज टू गैदर हिम्मत जताया कि अभी मुझे ये करना ही करना है हाँ. तो मैंने एक छोटा सा एक मैसेज डाल दिया उनको हाँ. और वो मैसेज के रिप्लाई हाँ. आज तक मेरे पुराने फोन में हाँ. फोन खराब हो गया या नहीं खराब हो गया बिकॉज आई नॉ एज टाइम पास बाई यू नो यू ब्लैक बेरी एंड ब्लू बेरी एन दै तो वो सब चीज़ होते रह गया uh. लेकिन आज तक वो मैसेज मेरे मेरे पास है एंड इट इज़ वेरी वेरी प्रेशस टू मी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द प्रेस एज आस्ट मी के लॉन्जी लेस अस दैट मैसेज विल पुट इट अप आई सेड नो दिस इज समथिंग पर्सनल एंड दिस मैन हैज एग्जैम्प्लीफाइड ह्यूमैनिटी इसने अपनी जबान जो जिस प्रकार से रखा uh.

What do you say? I mean just give our reference and okay. you know you continue to progress yeah. in the manner that you deserve to. Yes. Because yes. they will take care yeah, of, of your all work that yeah. you can keep doing internationally. Yes. So from there, hmm. so you think you can dance. Bowl Games of America. Haan. Second best marigold Gold. Oh will to live. Bend it like became the again, broad. Again, which yeah. other Second best, marigold Gold. Okay. Will to Live, Eat, Pray, Love with Julia Roberts. Yeah. Yeah. All these things came one after the other from that, what do you say, agency. And obviously, because of the weightage that Danny Boyle's office had. Yeah. And India Take One. Yes. You know, so it was very, very touching. Okay. Mm -hmm. They said, this is just the beginning. Yeah. Of this journey. Okay. From here on, your journey in Hollywood will start. Oh, my God. So, that... That really kept me going and kept me so happy yeah. that every time throughout the year, at yeah. one point of time, I would always be abroad. Yeah. You know, so it, see, one led to another. Yes, yes, yes. And Danny Boyle today mm. is the same as what he used to be back in the day. Yeah. yeah. You know, when I was in London, I reached out to him. He picked up the phone and he spoke to me. Oh. He said, Longinus, you are in London. I said, Yeah, I am in London. <laughs> I just thought i would say hi to you. So, of course, it's a wonderful. We should catch up for a coffee or two or whatever. But the thing is that I'm not in London. Huh. I'm in Utah. He huh. was shooting in Utah, but he took the call. Huh. So that is the greatness of this man. Right, right. I'm happy that at least I've managed to reach out to certain kind of people through him. Yeah, yeah. But see, there is this one thing I would point out that uh, before getting this film, uh, Slumdog Millionaire. you mentioned one person's name yes whose work you did for free of cost almost yeah, yeah for little you, or nothing yeah yeah for you did lot of work for him hmm. abhi ye aapki generosity ho gayi aapka compassion ho gaya aapka care ho gaya insaniyat ho gayi hmm. to upar wale ne aapki insaniyat dekh ke फिर वो इंसान ने आपको इन cash pay नहीं किया पर आपकी life में आपको एक ऐसी फिल्म दे दी जिसकी

अपने को यही गुण दिया तो यू डू द बेस्ट इन योर वॉट यूज ए केपेबिलिटी विद इन योर केबिलिटी द बेस्ट आई नो दे आर दे आर एज गुड एज नथिंग बिकॉज दे ओनली टॉक बट स्टिल आई सी दिक्चर ऑफ द पिक्चर सो आई देर आर टाइम आई टेल द मैसेज सर वॉट यूर डूइंग इज नॉट करेक्ट आई डोंट थिंक सो दिस इज राइट छोड़ो या क्या फ़र्क पड़ता है सो वेन दे टॉक लाइक दिस आई रियलाइज कि बड़ी ये आप कहा चार आदमी को बुलाएंगे अपने घर पे yeah. और उनको फिल्म देखाएंगे इज दैट योर पर्पज ऑफ मेकिंग दिस फिल्म सो मे बी दे आर हैप्पी डूइंग दैट सो गॉड ब्लेस सो इफ आई गेट स्टक इन दिस काइंड ऑफ ट्रैप्स फॉर मी इट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट एक्सपीरियंस विद आफ्टर दैट इट्स आई एम मूविंग ऑन आई विल नॉट होल्ड एनी एनीस लाइक इज अ गाय वन डे हु टोल्ड मी यू नो मेरी फिल्म है आपको करना है सर लेकिन इसमें क्या है ना बुरा मत मानना पैसा नहीं है mm -hmm. तो मैं बोला पैसा मेरे लिए नहीं है या फिल्म के लिए नहीं है <laughs> तो ये हैड नो आंसर ये हैड नो आंसर इसे जी यार आप भी गुड <laughs> वन <Good one. laughs> पैसा नहीं है तो फिल्म क्यों बना रहे हो नहीं मैं बस वन रिंग आई वाज थिंकिंग टू माय सेल्फ यू नो कि मेरे लिए अगर नहीं है तो ना सही फिल्म के लिए नहीं है मीन्स अ प्रॉब्लम है यू सेड यू वर्क विद मनोज जी आल्सो ना मनोज कुमार जी

यू नो लॉन्जी एक चीज़ है यार मनोज जी बुलाएँगे फिर आपको उनका बातें सुनना पड़ेगा उनके वो सही आदमी है उनके प्रोडक्शन लोग हैं ना इन लोग टोपी पहनाते हैं यार नहीं <laughs> बोला बॉस आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग एंड वर्किंग फॉर मनी आई एम गोइंग टू एडुकेट माई सेल्फ एंड दैट इज़ समथिंग आई रिमेंबर टिल टूडे आई एम हैप्पी यू रिमो दिस टॉपिक बिकॉज वेन आई वॉज वर्किंग विद दैट मैन दैट मैन टॉट मी अ ई सर बेटा लॉन्जी आप काय के लिए आए यहाँ पर आई सर मनोज जी मैं आया यहाँ पे सीखने के लिए आई हैव कम यर टू सरेंडर माई सेल्फ आई नो आई एम वेरी गुड इन वॉट आई डू बट आई वॉन्ट टू बी बेटर इन वॉट आई वॉन्ट टू डू एंड ही लुक एट नीज है यार बोला तो क्या यार क्या बोला आपने यू नो वट आई फील योर डांसिंग इज गुड वेरी नाइस बट हाउ टू डिजाइन द सॉन्ग हाउ टू इन्वॉल्व योर कैरेक्टर्स हाउ टू मेक श्योर योर फ्रेम लुक्स ब्यूटिफुल इज़ वॉट आई विल टीच यू Hmm. आज तक मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस में hmm. मुझे किसी ने ये बात नहीं बोला जिस तरह उन्होंने मुझे बोला तीस साल पहले सो दैट इज मनोज साहब जो yeah, लोग जो मैंने भी लाइक देव साहब के साथ में काम किया है ये लॉन्च में तो नेचुरली उनके पास से आप जो छोटी छोटी बातें सीखते हैं वो आपको पूरी जिंदगी काम आती है

It was a sheer pleasure watching the kind of energy that he possesses. Yes, jumpy, yeah. full of. When he saw me, Launchiness, Launchy, what do I call you? <laughs> oh, i I call you please sit, sit, sit. I sit. bed. You yeah, <laughs> right? yes, said, what's your working style like? You know, do you design the song? Do you only choreograph the moves or you also take care of the camera? Because there's a lot that I do. I said, yeah. sir, I leave it to you. Whatever you want to do, you do. <laughs> आई विल बी देयर अलोंग विथ यू ये एंड देन सडनली सम्बडी वॉक्स इन एनसेस देव साहब और वो जिजक गया कुछ बोलने के लिए तो come on, tell me what's the problem? क्यों मुंह क्यों लटका के बैठे कुछ बोलो एंड सर क्या बोलूँ सर अपनी ओपनिंग जो थी फिल्म की सिर्फ उनतीस परसेंट निकल आई उन दिनों में ट्रेड गाइड हुआ करता था ट्वेंटी स्टिली इज वॉट आई गॉट टू नो एंड आई रियलाइज की दिस मैन इज कॉन्फिडेंस पर्सोनिफाइड इज नथिंग दैट कैन शेक एम अपी इज सो पावरफुल फ्रॉम विद इन दैट इज वॉट आई लाइक अबाउट हिम Forever young. Yeah. Yes. Forever powerful. Never give up. And see Positive. this is this is the things this is the things what you learn from the greats. Yes. You know? Always. Yes. And these people are not only the greatest, they have also been amongst the latest. Yes. You know? Yes. Let's let's be honest. When yes. he made when he made movies like this par and all, there were there were other people also who were coming up in the industry. Mm -hmm. It's not that there was only the what do you say, Gurudats and the Raj Kapoor's and the Devanans and the Manoj Kumar's who were making films? No, there was somebody new also who came up. Yes. I yes. think Ji was that time when he came up with Kalicharan and Vishwanath and all that. Yeah, so hats yeah. off to people like Dev Devsa, yeah. who was there in the race. Yes, always. Yes, 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 yes. You know, so that's yes. the greatness about these people. Yes, totally. Same thing with Ji. Mm. In spite of making all the big films that he's made. वेनी बज ट्राई टू री लॉन्च हिस्सन कॉल्ड बी एंसर्ड इसे कुछ सिखाओ मैं बोला मनोज जी आपका बेटा है बहुत कुछ सीख के आए होंगे वो बात की बात है इनको सिखाओ तो यू नो दैट इज इज ऑनेस्टी दिस इज वॉट आई लर्न फ्रॉम दिस पीपल एंड आई एम ओनली ट्राई टू टेक इट फॉरवर्ड एंड एम्यट दैम इन माई ओन स्मॉल मैनर

सो so डीपली मुझे इतना दर्द हुआ है ना ये आपकी बात सुन के ये पर्टिकुलर चीज आई कुड फील यू वो फाइव वे आप जो फील कर रहे थे कि इतना बैड फील कर रहे थे कि मैं इतने बड़े इंसान को वेट करवा रहा हूँ पता है मेरे साथ में वेन आई वॉज डूइंग द स्टार्स इन द वंडर कार फिल्म और उनका असिस्टेंट था और अब्बास मस्तान की फिल्म थी मेरा सोलो सीन था फिल्म फिल्मिस्तान में और असिस्टेंट डायरेक्टर ने सेम मस्ती की थी सेम मस्ती की थी कि इतनी बड़ी फिल्म में जो भी किसी का भी कैरेक्टर था फिल्म बहुत बड़ी थी आज तक हिट है पर मेरा जो सीन था उस दिन पूरा दिन स्टूडियो मेरे लिए बुक था और असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन करके बोला कि आप दो बजे पहुंच जाइए यू नो आप चार बजे तक रेडी हो जाना अभी जबकि दो बजे की शिफ्ट है तो आपको नेचुरली वहां पर ग्यारह बजे साढ़े ग्यारह बजे पहुंचना है या बारह बजे पहुंचना है आप फीमेल हो आपको मेकअप करने में तैयार होने में टाइम लगेगा टाइम लगेगा और डायरेक्टर को दो बजे की शिफ्ट में दो बजे आर्टिस्ट रेडी चाहिए था ये इंफॉर्मेशन कौन देगा असिस्टेंट डायरेक्टर देगा पर उसने क्या किया अपना एक गेम खेलने के हिसाब से मेरे को कार्ड में से कट करने के हिसाब से मैं इंसान का नाम नहीं लूंगी उसने मुझे टाइम गलत बता दिया और मैं पहुंची वहां पर दो बजे एंड चार बजे तक डायरेक्टर वेट कर रहा है सेट पर आई एम फ्यूमिंग ऑन माई नेम अब्बास जी और वेर एज अब्बास जी लव्स मी आई वॉज सपोज टू डू बाजीगर एंड आई डिड नॉट डू तो ही वॉज लाइक लुकिंग फॉर्ड टू डू दिस फिल्म विथ मी यू नो कि मैं उनकी होम प्रोडक्शन की फिल्म उनके साथ में कर रही हूँ और आरती आ रही है जो मेरी वो छूट गई थी अब hmm. मेरे साथ में फिल्म कर रही भले एक दिन का तीन सात चार सीन कर रही है एंड ही हैड दिस नेगेटिव इम्प्रेशन अबाउट मी कि ये लड़की तो इंग पंक्चुअल है टाइम पे आती नहीं है दो बजे की शिफ्ट में दो बजे आती है एंड द होल थिंग वेंट एंड दैट होल सीन जो एक्शन सीन था मुझे वार्निंग दी गई कि आपको ये एक ही शॉट दिया जाएगा देर विल नॉट बी एनी सेकेंड टेक वो पांच सारे फूटने वाले हैं होल थिंग विल हैपन इन वन टेक इफ यू डू इट राइट इफ यू डोंट डू इट डैम विथ इट आई विल नॉट रीशूट इट जैसा होगा वैसा तीन कैमरा लगा दिए पूरा सेटअप और पूरा मुझे गन पॉइंट पे मैंने वो सीन शूट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन सो दैट दाइव ए एम थिंग यू सेड ना, so ना, ना कि वो फाइव पी एम नहीं था 5 था आई कुड लिटरली फील यू इट प्योर स्ट माई हार्ट कि हाउ पीपल स्मॉल पीपल थिंक दिस स्मॉल पॉलिटिक्स एंड हाउ दे नहीं बट यही है ना छोटे लोग के छोटे इंडस्ट्री दैटर इन इंडस्ट्री अभी yes. क्या ये बोलना जरूरी है ये तो साहब जाहिर है कि अभी ये, ये लोग ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे yeah. इसलिए आपने जब बोला ना मुझे उनका नाम नहीं लेना ये बदनाम लोगों का नाम लेकर भी क्या क्या फायदा नहीं, मतलब नहीं है इवन तो आपकी जिंदगी में डेफिनेटली स्ट्रगलोर्स ये देख ये जो कठिनाएं जो है वो तो जिंदगी भर रही हैं कॉन्वर्जेशन विध यू यू नो वेयर मिस्टर बंसाली इज कंसर्न आई थिंक दैट मैन वो बहुत जिगर वाला आदमी है नैन दैट मैन वर्क

Then my friend Pinto, uh -huh. you know, so it's like that. So, and that man is a is a genius. Yes, he's a genius. Then I worked with uh, Ranbir Kapoor again on a film called Burfi. Oh, what with a beautiful Anurag Basu. Oh oh, 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 You know, and when I did that movie, which song you did? Uh, Ashiana. Oh. You know, and when when we were when we were doing that what do you say uh, film and we were doing that song, uh. it was raining and it was pouring and then something something happened and that set had to be made in. फिल्म सिटी एंड देन इट वॉज मेड अव देर ओब्वियस्ली रजत पुदार इज अ क्राफ्ट ऑफ अदर लेवल प्लेस लुक लाइक दैट स्मॉल टाउन या इट वॉज अ सेट वी शॉट दैट सॉन्ग देन एंड देर व लॉड ऑफ थिंग्स टू बी डन रणवीर कपूर इज वन मैन हू डजेंट बिलीव इन गोइंग ऑन द सेट Just like that, mm. he is a person who wants to be more than well prepared. Mm. So all those hat tricks that you saw, mm. we had to rehearse for all of that. Mm -hmm. And obviously, Dada is a great guy in getting all these things worked out. Yeah, you know, yeah. normally what happens in in other productions, the assistants come in the picture. Okay, hey, you know, I think so. Sir, I said you get this, you get that. प्रेजेंट दैट मींस क्योंकि अपन ऐसा कुछ करें क्या ऐसा कुछ तो आई लाइक दैट वेन आई वर्क विद्ड ऑफ नेचर इफ ही दिस इज वॉट हैपन ड्यूरिंग सावरिया दिस इज वॉट हैपन

बॉनी साहब आ रहे हैं उनको भी देखना है तो दैट टाइम आई दिस फिल्मी ड्रामा यू नो हाँ, हाँ, कि हाँ, साहब के लिए एक टेक हो जाए हाँ, तो मैंने बोला चलो ठीक है that, there, there was, say, uh, जी ने बोला, एक और कर लेते so अर्जुन रामपाल ना ढांग ढांग झींग भांग हाँ, सब कुछ क्या सुपर डैम गुड क्या बात है हाँ, अरे अशोक जी कौन है यार ये नया बच्चा है हमारा लॉन्जी इज अ दैट वाज़ वन ऑफ माय फर्स्ट मोक्ष वाज़ बैक इन द डे सो दे सर वेर सो दैट वॉज वेरी यू नो इंस्टेंटेनियस इट है स्पॉट वेन आई से फाइन कम टू द ऑफिस सो आई लैंडड इन दफिस सो वेन आई लैंडड इन दफिस आई वॉज सो लकी To, that is something which I learned. Being in the right place time. at the right time. time, so I landed up there in the office along with my friend who was also styling Arjun Rampal for Moksh. Okay. He used to style even what do you say Fardin Khan. Okay. So I went along with him, uh. and he's a Bindas character, mm. Shahid Amir. He said, uh. "Hi, Bonnie, you know this is Lonji and I say, "Yeah, yeah, I met him on the set, yeah." Mm. Uh. And then cut to, I get a song from his film. Which one? Khushi, Good Morning India. Okay. So. That is one thing that I've seen in some people who are very true to their word. Yeah. You know, so Bonnie Sab, hats off to you. I think you're the biggest producer India has ever produced. Because <laughs> then it's a yes, fact. fact. Because fact. this is one man. Fact, huge, huge yeah, films. Huge Because films. this is one man who will ask you. You have finished your song? And I would say, Yeah. Don't you feel you need something? <laughs> I said, like what? I think I'll get you a. Nice copter shot here. I said sir, then we need to get a proper guy who can shoot it from the copter. Oh. He's saying, like what? I said sir, the guy who did the train sequence in Ruop Krani Raja oh. And he asked me, saying, You seen the film? I said, Yeah, sir, I seen that film, but I especially saw that many a times. Yeah. And he got Akram Khan from Bombay oh. for two days to do the copter shot. Oh. So that is the power of Bonnie Kapur. Yeah. So when you work with these kind of people you definitely feel happy. Yeah.

Yeah. You work with him for one song. Hmm. Believe me, you're going to spend nothing less than a month and a half in and out of his office and then on the set. Okay. So that is the power of that man. He keeps you. He keeps you engrossed. He yeah. keeps you engaged. Yeah. That if you are working on this song, then you have to be living this song. Yeah. Get into the skin yeah. of the. So that is essence how. Yeah, that. that is how yeah. movies like Savariya and Guzarish all happened one after the other for me because of these things. Yeah so beautiful so much to learn from you also, <laughs> genuinely in this conversation i have learnt a lot from you lonji a lot yeah. from you and definitely people who are watching they must have experienced a different journey a different life of a choreographer a person who himself is a hero a true hero in himself yeah. So inspiring personality, such an inspiring personality. Thank you, thank you. Very thank much. you so much, Lonji, to be with me and to be with all the fans who are watching right now. Mm -hmm. Thank you so much. I am glad. Mm -hmm. Would you like to say something? No, no, no. I would. Here. My my only message to everybody yeah. out there is, you yeah. know what? In life, don't try to do different things. Do things differently, yes. and you see what is the result.

तो आप ज़रूर उनके बारे में इस कमेंट्स में लिखिए या मुझे मैसेज कीजिए मेल कीजिए मैं ज़रूर उनको अपने शो पर बुलाऊंगी मैं अपने शो पर अभी फ़िलहाल अपने दोस्तों को इसकी वजह से बुला रही हूँ कि मेरे आसपास में बहुत सारे हीरोज़ हैं और वो हीरे हैं हीरोज़ भी हैं और हीरे भी हैं दे आर डायमंड्स सो मैं चाहती हूँ कि मैं शुरुआत मेरे डायमंड से करूँ फिर मैं आप तक पहुँचूँगी थैंक यू वेरी मच लान प्लेजर प्लेजर थैंक यू थैंक यू